अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलाम मुस्तफ़ा सलाम स्ट्रेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको बहरिया के उस एक क्रीम एरिया का विज़िट करवाने जा रहा हूँ जिसके अंदर 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मौजूद हैं। जी हाँ, मैं प्रिसन 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। और प्रिसन 3 का मेन गेट से डिस्टेंस की बात करें तो अराउंड कोई 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर प्रिसन 3 मौजूद है। और इसके बिल्कुल साथ इसके सराउंडिंग्स को डिस्कस करते हैं तो इसके एक तरफ प्रिसन 2 के विलाज़ आ जाते हैं जिसमें इकबाल विलाज और कायद विलाज हैं, और इसके ऑपोजिट साइड पे थीम पार्क का एरिया और बहरिया का इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्लस प्रिसन 19 के 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। 2000 स्क्वायर यार्ड के ये बहुत ही लिमिटेड से प्लॉट का प्रिसन है और इसके अंदर अभी अराउंड कोई 3 से 4 विलाज की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम अगर इसकी प्राइसेस को देखें तो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे ऑलमोस्ट इसकी प्राइसेस 3.5 करोड़ से लेके ऑनवर्ड 5.5 करोड़ के रेंज में हमें यहाँ पे प्लॉट मिल जाता था, लेकिन अभी की करंट मार्केट में हमें मिनिमम 6.5 करोड़ से लेके ऑनवर्ड 8.5 करोड़ तक की प्राइसेस मौजूद हैं। बहुत ही एक लेवल पे और ज़बरदस्त प्रिसेंट है। आप सामने यहाँ पे मेन चिना के ऊपर आपको हाई राइज बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली मेन जन एवेन्यू के बी साइड है जहाँ पे बहुत सारी जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये प्रिसेंट 2 प्रिसेंट 1 ये सारा एक अलाइव एरिया है। इवन प्रिसेंट 19 मुकम्मल तौर पे अलाइव है। और यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं और वो किसी किस्म के कोई डिप्रेशन में नहीं है, बहुत माइनर सा इसका प्रिसेंट 3 का एरिया है जो डिप्रेशन में है, अदरवाइज सारे का सारा एरिया इसका मैक्सिमम हाइट और ग्राउंड लेवल पे है। अभी हम रोड 2 पे मौजूद हैं। ये रोड 2 एक सर्कल में मूव करता है और इसी के अंदर से लेफ्ट राइट इसकी कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। वो बहुत बड़ा प्रिसन नहीं है, बहुत ही लिमिटेड स्ट्रीट्स हैं और एंट्रेंस और एग्ज़िट इसकी बिल्कुल करीब है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके प्रिसन 3 के अभी राइट नाउ मेरे लेफ्ट साइड पर बिल्कुल एक 300 फीट का एक रोड मौजूद है जिसके ऊपर एक बहरिया का मेन गेट बहरिया के एक सेकेंड गेट भी मौजूद है। तो अगर आप मेन गेट की तरफ से नहीं आना चाहते तो आपके लिए एक दूसरा गेट, दूसरी एंट्रेंस भी यहाँ पे मौजूद है। और प्रिसन 3 की एक खूबी ये भी है कि इसके एक तरफ अलाइव एरिया तो है ही है और सेकंड इसका मिडवे कमर्शियल और मेन जिना पे एक्टिविटी कमर्शियल की तो हो ही रही है, साथ में मिडवे कमर्शियल है जहाँ पे नंबर ऑफ बिजनेसेस इस टाइम पे रन हो रहे हैं। हमारे ऐसे कस्टमर जो 2000 स्क्वायर यार्ड का घर फौरन से बना के अपना एक अलाइव एरिया में आकर रहना चाहते हैं तो उनके लिए प्रिसन 3 उनको सजेस्ट किया जाता है। प्रिसन 3 एक मुकम्मल तौर पर अलाइव एरिया में है और साथ इसके प्रिसन 2 है जहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ शॉपिंग गैलरी से मिल जाती है। और इसी तरीके से प्रिसन 2 के अंदर मस्जिद भी बहुत सोन ऑपरेशनल हो जाएगी। मेन चिना के ऊपर नंबर ऑफ़ ऑफिस, नंबर ऑफ़ बिजनेसेस रन हो रहे हैं। और इसी तरीके से मिडवे ए और मिडवे बी भी प्रिसन 3 के एक तरफ है तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ बिजनेसेस जिसमें फूड पॉइंट के डिफरेंट बिजनेस हैं और टेलर शॉप है, क्लॉथ के बिजनेस रन हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे दीगर बिजनेसेस रन हो रहे हैं और मस्जिद सर्वर भी वहाँ पे ऑपरेशनल है। तो ये मुकम्मल तौर पे एक अलाइव एरिया है जहाँ पे आके आप फौरन से अपनी रिहाइश प्लान कर सकते हैं। अभी हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से प्रिसन 3 को डिस्कस करते हैं तो प्रिसन 3 इन्वेस्टमेंट पर्पस से 2000 स्क्वायर यार्ड के अंदर स्टिल यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारा मार्जिन बाकी है। आप देखें कि यहाँ पे एक साल पहले यहाँ पे अराउंड जो प्राइसेस थी वो 3.5 करोड़ से लेके ऑनवर्ड 5.5 करोड़ तक की प्राइसेस थी, आज यही फिगर मिनिमम 6.5 करोड़ से लेके ऑनवर्ड 8.5 करोड़ तक की प्राइसेस मौजूद हैं। तो ये प्राइसेस ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई हुई हैं, प्राइसेस डबल हुई हैं विद इन 10 to 11 months। तो यहाँ पर स्टिल बहुत सारा अभी भी मार्जिन है। 3 से 4 विलास की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे ख्याल से कोई आने वाले 5-6 month के अंदर 5 से 6 विलास मज़ीद स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे विलास और प्लॉट्स ऐसे हैं जो अभी अपने डॉक्यूमेंटेशन फेज़ में हैं। और मेन चिना के ऊपर भी आप देखें तो मेन चिना के ऊपर दिन ब दिन आपको नंबर ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इनॉग्रेशन, उनकी डिगिंग आपको नज़र दिखने को मिलती है। दूसरा इसको डिस्कस करते हैं तो इसके एक साइड पे थीम पार्क का एरिया भी आ जाता है जो कि आपको पता है कि इंटरनेशनल बहरिया टाउन ने एक इंटरनेशनल थीम पार्क बनाया है और वहाँ पर भी एक पिकनिक पॉइंट भी आपके बिल्कुल करीब है। फर्दर मोर आपको कोई डिटेल्स चाहिए हो रिगार्डिंग प्रिसन 3 या फिर आप बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सलाम स्ट्रीट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।